दूध में सिर्फ ये चीज मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए, आपके चेहरों की झाइयां, कालापन, झुर्रियां, सारी तकलीफों को ये दूर कर देगा। आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगी। इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा, तो बिना पैसा खर्च करे अगर आप भी अपनी स्किन को जवान दिखाना चाहते हैं कि आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता ना चले, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जिसके लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, और प्लस में हर स्किन टाइप वालों को सूट करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनको डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो ये रेमेडी आपके ऊपर 4 चांद लगा देगी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट टिप्स। ये है कि सुबह उठते ही आपको 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है। क्यों पीना है? इसलिए पीना है क्योंकि वो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको फ्लश आउट कर देती है। जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पर निखार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है कि आपने बाहर का जंक फूड 1 महीने के लिए अवॉइड करना है। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे खाते थे या फिर वीक में आप एक बार खाते थे, तो आप मंथ में उसको एक बार कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जितना भी हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, उतना ही वो हमारे शरीर में जाकर गंदगी पैदा करती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती। और जो चीज हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती वो सड़ती है, और सड़ने के बाद आपकी स्किन पर डलनेस, कालापन, झुर्रियां, ये सारी समस्याओं को पैदा करती है। अपनी डाइट में से हमें शुगर को बंद कर देना है। अगर आप रोजाना की 3 से 4 कप चाय पीते हैं और उसमें शुगर डालते हैं 1-1 चम्मच हर कप में, तो आप ट्राई करिए कि आप रोजाना की सिर्फ 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी आपने रिफाइंड शुगर यूज ना करते हुए, या तो आपने गुड़ वाली चाय पीनी है या फिर धागे वाली मिश्री उसमें ऐड करनी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ, किसी भी एज ग्रुप के लड़का, लड़की, मैन, वुमेन कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है। बाउल में आपने डाल लेना है दूध, कच्चा दूध, हम रॉ मिल्क यूज करेंगे यहाँ पर। 1 स्पून आप इसमें ऐड कर लीजिए, इतनी क्वांटिटी इनफ है 1 स्पून की। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? जो हम खाने में यूज करते हैं नमक। आपने बिल्कुल चुटकी भर आपने नमक लेना है, बिल्कुल चुटकी भर नमक लिया है, बहुत ज़रा सा। इन केस अगर आपको सॉल्ट सूट नहीं करता, आप ट्राई करें, अगर आपको सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पर आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके कुछ कतरे, यानी आप 2-3 ड्रॉप्स आप लेमन की दूध में ऐड कर लीजिए। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, और जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और सॉल्ट आपकी जितनी भी जिद्दी मैल है, कालापन है, आपकी स्किन पर जो सनबर्न हो गया है, उन सबको डीपली क्लीन करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आपने कॉटन डिप करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कॉटन डिप करने के बाद में, जैसे मैं आपको पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, सेम इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपने हाथों से बहुत ही जेंटली, आराम से अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है, जितना आपके हाथ में दूध है या कॉटन में, बार बार उसको डिप करते जाइए और अपने पूरे फेस और गर्दन पे इसको अप्लाई करिए और हल्के हाथों से रब कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 स्पून मिल्क ऐड करना है इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अगर रोज़ वाटर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप नॉर्मल जो है एलोवेरा जेल जो है वही ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है। ठीक है, और आपकी स्किन को इवन लुक देता है, जो कहीं हमारा फेस कहीं से डार्क, कहीं से वाइट होता है ना, अनइवन स्किन होती है, उसको इवन करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा इसमें, तीसरा हमें चीज़ ऐड करनी है बेसन। बेसन बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जितनी भी डेड लेयर है, कालापन है, उसको ये रिमूव करता है। तो हम इसमें 1.5 स्पून बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि हम नेक और अपना पूरा फेस कवर करेंगे, पैक हमें बनाना है। और जो हमारी लास्ट चीज़ रहेगी वो है ऑयल। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपकी स्किन को आलमंड ऑयल सूट करता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल सूट करता है, तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्यूई इफेक्ट देगा, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। तो आपने 1/2 स्पून इसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल।
दैट्स इट। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करे हैं ये हर स्किन टाइप वालों को सूट करेंगे, तो बिल्कुल आप कोई भी आपका स्किन टाइप है आप इसको बेझिझक होके लगा सकते हैं। अब बस इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, तो हमें इसको और थोड़ा सा बॉडी फॉर्म देना है ताकि इसको हम टपके नहीं अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो अगेन हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। यस, अब परफेक्टली ये हमारा जितने भी लम्स हैं इसमें हमें इसको निकाल लेने हैं, और ये परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है जो हमें एग्जैक्टली पैक के लिए चाहिए। इसमें परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके जितने भी लम्स हैं वो हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ जो आपने पहला स्टेप फॉलो किया था उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पैक को और स्क्रब को कितनी बार हम वीक में फॉलो करें, तो आपने इसको ऑल्टरनेटिव डेज में फॉलो करना है और आपने 20 डेज तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। जब आपके 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस फील होगा, आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो चुका होगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा निखार आ चुका होगा, अनइवन स्किन की प्रॉब्लम थी आपकी स्किन जो सैक कर गई थी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इस पैक को और स्क्रब को आपने हमेशा रात को सोने से पहले ही फॉलो करना है, क्योंकि डे टाइम में हम बाहर जाते हैं, डस्ट लगती है, धूप लगती है, तो हमारे फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज होते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कुछ होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।